सांगनेर शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले भारतीय स्टेट बैंक के सामने दो युवकों को लुटेरों ने 2,70,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक सांगनेर के करीबी मंगसा गांव के रुपेश छत्रपाल रहाटी और रजत रामराव रहाटी दोनों दोपहर 2 बजे के बीच 2,70,000 रुपए लेकर स्थानीय स्टेट बैंक सांगनेर आए थे और एक मोपेड के हैंडल पर रुपए से भरा बैग था। जैसे ही वे अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा कि किसी ने उन पर कुछ फेंका है और उनके हाथ गर्दन खुजाने लगी है। जैसे ही उक्त गंदगी साफ करने हेतु उनका ध्यान हटा, उतने ही देर में चोरों ने पैसे से भरा बैग उड़ा लिया। रुपेश और रजत को लूटने वाले चोरों के समाचार लिखे जाने तक पुलिस को उसका पता नहीं चला, लेकिन कुछ मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि वह बस स्टैंड की ओर भाग रहा है। घटना की जानकारी सामने थानेदार मारुति मुख को प्राप्त होते ही पूरे पुलिस बल को चोर को खोजने का आदेश देकर जगह जगह खोजबीन की, किंतु चोरों का कहीं पता नहीं चला। थानेदार मारुति मुलक के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक दीपक करांडी, पुलिस कांस्टेबल प्रकाश खोके, नीलेश ताड़ी, दिनेश घाड़गी और अपराध शाखा के अन्य अधिकारी आगे की जांच कर रहे हैं। दिनांक 20/7/21 दुपारी 2 सुमार स्टेट बैंक जी मोटरसाइकल लावून मोटरसाइकल हैंडलला 2,70,000 ची बैग अडकून बँकेत गेला। मित्राला सांगितलं होतं थोडं लक्ष दे, परंतु मित्राचं दुर्लक्ष झालं। त्या दरम्यान एका अज्ञात व्यक्तीने हँडलची बॅग घेऊन पळून गेलेलं आहे। CCTV कॅमेरामध्ये त्याचे फुटेज आलेले आहे, त्याच्यावरून तपास चालू आहे। लवकरात लवकर आरोपीला अटक करायचा प्रयत्न करत आहोत। याच्यामध्ये बँकेचं काम आहे पार्किंगची व्यवस्था करून तिथे एखादा त्यांचा माणूस नेमावा, त्यांचं वॉचमन असेल, वॉचमननी आतमध्ये प्लस पार्किंगकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे। तसेच बँकेमध्ये जे CCTV कॅमेरे लागलेले आहेत ते फक्त मर्यादित जागेपुरतेच आहेत। त्यांना आता मी एक विनंती करू किंवा एखादं पत्र देऊ की तुमचे समोरचे कॅमेरे आहेत त्याने रस्ता आणि समोरचा पार्किंगचा परिसर कवर होईल अशा पद्धतीने लावा। त्यांनी सुरक्षिततेसाठी बाहेर गार्ड वगैरे नेमावं अशी अपेक्षित आहे। या संदर्भात काही फुटेज आपल्याला मिळाले आहे जेणेकरून आपण आरोपीच्या जवळ पोहोचण्याचा? बँकेतून समोरील फुटेज प्राप्त आहे, अजून इतरही रोडच्या बाजूचे फुटेज प्राप्त करत आहोत आणि मिळते जुळते वर्णनाचे इसमाचे शोधत आम्ही आहोत। तो काही पाळत ठेवून तर त्याचा पीछा करत आलेला असावा असा काही संशय? तपासात निष्पन्न होईलच, त्या दृष्टीने पण आम्ही तपास करत। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और शहर के अन्य बैंक परिसर में बैंक आने वाले ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है। पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन से बैंक प्रबंध को कई बार संज्ञान के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। स्टेट बैंक की टिप्पणी के लिए प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका, तो वही उक्त लूटपाट की घटना स्टेट बैंक के बाहर होने से वो हमारी जवाबदेही नहीं, ऐसा कर बैंक व्यवस्थापन घटना से अपना पल्ला झाड़ते नजर आने की बात कही जा रही है। BCN News के लिए सांगनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।